हेलो फ्रेंड्स, बिजी मेंटो में आपका स्वागत है। और यहाँ हम वर्ण विचार के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, वर्ण विचार में हमने स्वर समझ लिए हैं, अब हम लोग व्यंजन समझेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं, किस प्रकार चलते हैं। और मैं आपको फिर बताता हूँ कि भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इनके द्वारा आपको ईजिली हमारी जो वीडियोज़ है वो मिल पाएंगी और आप ईजिली पढ़ पाएंगे। ठीक है, और चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, हिंदी थोड़ा सा बोर सब्जेक्ट है, आपको स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगा पढ़ने में। अरे, मैं फिर कह रहा हूँ और बार बार मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि आप अगर इसको वीडियो को देख करके बीच में छोड़ देंगे तो शायद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी होगी जो आपसे मिस हो जाएगी। ठीक, तो कोई भी चीज़ मिस ना करते हुए केवल एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए कि एग्ज़ाम है आपका और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं व्यंजन पढ़ना कि व्यंजन क्या होते हैं। जिन व्यंजनों को हमें समझना है, पहले उनके बारे में जान लेते हैं कि भाई कौन से व्यंजन हैं, क्या करते हैं, व्यंजन है क्या। तो हम यहाँ कह सकते हैं, जब हम उच्चारण करते हैं स्वरों का, तो स्वरों का उच्चारण करते समय अगर कुछ ऐसे स्वर आते हैं कि जिनकी हमें सहायता की जरूरत ना पड़े। ठीक है, सरल भाषा में अगर मैं कहूँ तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता। तो वे क्या कहलाएंगे? हमारे व्यंजन कहलाएंगे। जो व्यंजन है, मैंने स्वरों की टोटल संख्या कितनी बताई थी, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपने मेरा स्वर वाला वीडियो ध्यान से सुना है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा कि स्वर की संख्या कितनी है टोटल। ठीक है, तो यहाँ मैं व्यंजन की संख्या बताऊंगा। तो व्यंजन की संख्या टोटल 43 है। फिर एक बार देख लीजिए कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता वे व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन के प्रकार समझने के लिए हम कहते हैं कि भाई व्यंजन के भेद कितने हैं, ऐसे देख लेते हैं। हमने व्यंजन के भेद देखते हैं कि कौन कौन से व्यंजन के भेद हैं। हम व्यंजन को तीन प्रकार से बांट लेते हैं। पहला इसमें आएगा स्पर्श, सेकंड की बात मैं करूं तो अंतस्थ, यानी कि अगला इसमें आएगा ऊष्म, सभी अलग अलग हैं। अब स्पर्श का हम देख लेते हैं, सबको हम अलग अलग एक बार से करके समझ लेंगे कि कौन से व्यंजन हैं, क्या हैं, किस प्रकार से हैं। ठीक है, व्यंजन के भेद हमने देख लिए कि तीन प्रकार के व्यंजन के भेद हैं, स्पर्श, अंत और अनंतस्थ, ऊष्म। ठीक है, और टोटल 43 हैं, तो इनमें से कुछ हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले हम देखेंगे जो स्पर्श है ये किस प्रकार का है। तो स्पर्श व्यंजन को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण के समय श्वास वायु उच्चारण स्थान विशेष को स्पर्श करती हुई बाहर आती है, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण के समय श्वास वायु उच्चारण स्थान विशेष को स्पर्श करती हुई बाहर आती है। ठीक, तो वो क्या कहलाएगी, स्पर्श व्यंजन।
जिन वर्णों के उच्चारण के समय श्वास वायु उच्चारण स्थान, या देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, उच्चारण स्थान विशेष को स्पर्श करते हुए बाहर आती है वो स्पर्श व्यंजन कहलाती है। अब जो स्पर्श व्यंजन है ये टोटल संख्या में कितने हैं, क्वेश्चन ये आता है। तो स्पर्श व्यंजन टोटल संख्या में है 25, ठीक है। 25 ऐसे व्यंजन है जो स्पर्श हैं। अब इसमें से मैं कुछ आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया, का वर्ग के व्यंजन, चा वर्ग के व्यंजन, टा वर्ग के व्यंजन, ता वर्ग के व्यंजन और पा वर्ग के व्यंजन। और इनका मैं देखो डिटेल नहीं लिख रहा, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैं इनकी पूरी डिटेल आपको बता चुका हूँ कि किस किस टाइप से ये बनते हैं, ठीक है। तो उनको अच्छे से देख लेना, अगर मैं यहाँ पे डिटेल लिखूंगा तो ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा कि मैं इसको लिखता लिखता चलूंगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, का वर्ग को जो शब्द टच करते हुए आते हैं, यानी कि क ख ग ग ड़, ये सब ऐसे वर्ड आते हैं ना, तो उनको हम बोलते हैं कुछ मिलाकर 25 प्रकार के ऐसे शब्द हैं, ठीक। तो ये आपको क्या हो गया, पूरा का पूरा स्पर्श व्यंजन। अब हम इसमें देखते हैं अंतस्थ, जिन वर्णों के उच्चारण स्वरों और व्यंजनों का मध्यवर्ती सा लगता है वे अंतस्थ कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों का मध्यवर्ती सा लगता है अब यहां पे बात जो है मध्यवर्ती, ये जो शब्द है मध्यवर्ती, ठीक है, और स्वरों और व्यंजनों के। अब देखिए जब आप कुछ बात बोलते हैं और आपको अगर ऐसा लगता है कि जो आपने कोई शब्द बोला है, कुछ उच्चारण किया वर्णों का, और उसमें स्वरों का और व्यंजनों का कुछ बीच का भाव प्रकट होता है, तो उनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। और इसमें कुछ उदाहरण भी हैं, उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूँ। पहली बात तो इनकी संख्या की बात कर लें, तो संख्या के हिसाब से ये कुल कितने हैं, संख्या के हिसाब से ये हैं आपके चार, ठीक है, चार है संख्या के हिसाब से ये। और चार कौन कौन से हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। देखिए जैसे या हो गया, रा हो गया, ला हो गया या वा हो गया, ठीक है। तो चार इस प्रकार के आपके शब्द बनते हैं। अब हम इसमें देखेंगे ऊष्म व्यंजन क्या है। तो जिन वर्णों के उच्चारण के समय गर्म हवा, ठीक है, ऊष्म मुख से बाहर निकलती है उनको हम कहते हैं ऊष्म विचारण उच्चारण। जिन वर्णों के उच्चारण के समय गर्म हवा, यानी कि ऊष्म, इसको लिख देता हूं मैं, ठीक है। और देखिए सबसे बड़ी बात के शब्दों में ही अर्थ छुपा हुआ है, और अगर आप शब्दों को ही ध्यान समझ लेंगे तो आपको उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि स्पर्श है यानी कि स्पर्श करती हुई आएगी, ऊष्म का मतलब गर्म होता तो मुख से कोई गर्म हवा की तरह बाहर आएगी, तो उस प्रकार से ये इजीली समझ में आते हैं। अब कितने प्रकार के हैं ये भी आपके ऊष्म व्यंजन भी चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार कौन कौन से इनके, जैसे श, श, स,
तो इस प्रकार के आपके बनते हैं ऊष्म व्यंजन। अब व्यंजनों में एक कैटेगरी हमें और पढ़नी है, इसको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन किस टाइप के होते हैं, उनको देखते हैं संयुक्त व्यंजन कैसे होते हैं। देखिए संयुक्त व्यंजन की डेफिनेशन अगर बात की जाए तो दो विभिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल से बने जो होंगे। अब देखो नाम से पता होता है संयुक्त, यहाँ पे जुड़ने की बात हो रही है, तो जोड़ कैसे होगा, मान लीजिए एक और एक दो हो गया, या दो और दो चार हो गया, या फिर चार और दो आप जोड़ लीजिए, तो ऐसे मतलब जो परस्पर दो व्यंजन आपस में जुड़े होंगे उनसे बनता है आपका संयुक्त व्यंजन। इसको हम ऐसे कह सकते हैं दो विभिन्न व्यंजन। के परस्पर मेल से बने व्यंजन ठीक संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और जो संयुक्त व्यंजन है ये भी कुल चार प्रकार के होते हैं, ये बहुत ध्यान रखिएगा कि संयुक्त व्यंजन कितने थे ठीक है, और ऊष्म व्यंजन कितने थे, स्पर्श व्यंजन कितने थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये चार व्यंजन जो है ये मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं, ध्यान से देख लेते हैं इनको। देखिए पहले अगर बात करें इसमें श्र, तो ये कैसे बनता, देखिए श आपको लेना पड़ेगा प्लस में इसमें राब जोड़ेंगे ठीक, तब आपका बनेगा ये शब्द। ये शब्द बनाने के लिए आपको इन दो शब्दों को आपस में जोड़ना पड़ता है। कभी भी आप काम कीजिएगा, कभी जो हिंदी टाइपिंग जानता हो कंप्यूटर पर टाइप करे ठीक है, या आपने मोबाइल में कीपैड पे आप टाइप करके देखिएगा, तो ये शब्द बनाने के लिए आपको ये दोनों शब्द आपको जोड़ने पड़ते हैं ठीक। तो अब इनसे क्या क्या बनता है, श्रवण, श्रमण और श्रुति ठीक। अगला एक शब्द है छ, छ को बनाने के लिए आपको का ये शब्द प्लस शा ये जोड़ना पड़ता है। अब देखिए इसमें जहाँ देखिए जो हलंत है ये लगाना भी बहुत जरूरी है, अगर आप हलंत नहीं लगाएंगे तो आप इनको जोड़ नहीं पाएंगे। और एक बार कंप्यूटर में जाकर या फिर मोबाइल के कीपैड में ट्राई जरूर कीजिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर आता है क्षण, क्षत्रिय, क्षमा। अब आता है एक शब्द आपका ज्ञा, आपको इसके लिए जा प्लस ना जोड़ना पड़ेगा ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, मान लीजिए ज्ञान, ज्ञाता, अज्ञान। और ये मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, शब्द तो बहुत सारे बन सकते हैं लेकिन मैं आपको तीन तीन ऐसे उदाहरण देकर चल रहा हूँ। और एक है आपका त्र ठीक, इसमें आपको ता को जोड़ना पड़ेगा। मैं फिर बता रहा हूँ हलंत लगाना जरूरी है, अगर हलंत आप नहीं लगाएंगे तो आप ये शब्द नहीं बना पाएंगे। र, मैंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है उसमें जो पहले लाइन में शब्द लिखे हैं आपको उन्हीं के साथ में हलंत का प्रयोग करना है। अगर आप इन लाइनों से अलग हलंत लगाते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ सोचा कि यहाँ हलंत लगा दूँ, यहाँ लगा दूँ, यहाँ लगा दूँ, यहाँ लगा दूँ, तो आप ये शब्दों को बना नहीं पाएंगे ठीक है। और अगर आपको यकीन नहीं होता मेरी बातों पे तो आप प्रैक्टिकली आपके हाथ में मोबाइल होगा, घर में कंप्यूटर होगा, तो उस पर आप ट्राई कीजिए हिंदी और कीपैड डाल करके, तब आपको पता लगेगा। तो इनको हटा दीजिए और इनका उपयोग भी देखिए ऐसे ही करना है बिल्कुल आपको, मतलब शा करके ये शब्द लगाकर फिर ये शब्द लिखना है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने ये शब्द लिखा उसके बाद इसका इस्तेमाल किया और फिर ऐसे हलंत लगाया आपने, नहीं, इसी क्रम में शब्द लगेंगे और तभी आप इन शब्दों का जो स्पेशल शब्द है इनका निर्माण कर पाएंगे, यानी कि संयुक्त व्यंजन बना पाएंगे। तो इससे बनने वाले कुछ शब्दों को मैं आपको बता देता हूँ, से त्राण, त्रस्त, त्रुटि,
तो ये शब्द आपके चलेंगे ऐसे इस प्रकार से, ये हो गया आपका संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब संयुक्त व्यंजन में कुछ विशेषताएं हैं जिनको मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, देखिए कुछ विशेष है इसमें विशेषताएं, तो मैं विशेष विशेष लिख देता हूँ। अब समझिए कि इसमें विशेष क्या है व्यंजनों में। हिंदी भाषा में टोटल 33 व्यंजन हैं। ठीक है, 33 मैंने व्यंजन बताया आपको कुल, जो 33 व्यंजन हैं इन 33 व्यंजनों के अलावा कुछ और शब्द हैं, जैसे कि एक शब्द आपका आता है डा। ठीक है, मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ आपके लिए, और ऐसे करते हैं डा। ठीक, और एक शब्द आपका आता है ढा। तो इन दो व्यंजनों का प्रयोग भी होता है। अब इसमें खासियत क्या है, अब जैसे मान लीजिए हम इनको यूज करते हैं कहीं पे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इनको पढ़ना या फिर सड़ना। ठीक, तो ये कुछ विशेष व्यंजन है आपके। अब हिंदी भाषा में कुछ लोग अरबी और फारसी जो शब्द है उनके साथ भी जोड़कर कुछ मूल शब्दों का निर्माण करते हैं और उनको देख लेते हैं। तो इसको मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि देखिए हिंदी भाषा के भाषा में अरबी और फारसी से आए शब्दों को मूल शब्द के साथ देखना या रखना। अब देखिए इन शब्दों से कैसे कुछ शब्द बनते हैं उनको हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास शब्द है का। ठीक, तो इसमें हम एक शब्द जोड़ सकते, बनता है हमारा कुदरत। ठीक है, एक शब्द हमारे पास है खा। ठीक, इसमें हमारे पास एक शब्द बनता है खयानत। ठीक है, एक शब्द हमारे पास है इसमें गा, इसमें शब्द बनेगा हमारा गबन। उसी प्रकार से शब्द है हमारे पास जा, यहां शब्द हमारे पास जा से बनेगा जमीन। एक शब्द हमारे पास है फा, तो यहां पे शब्द बनेगा फा से फिरंगी। तो ये शब्द ऐसे हैं जो अरबी और फारसी भाषाओं के साथ जुड़ करके बनते हैं। ठीक, और अगर हम इन्हें भी मान ले कि ये भी शब्द हैं, तो यहां पर क्या होगा, जो हमारे टोटल व्यंजन है उनकी संख्या बढ़ जाती है, और उनकी संख्या बढ़ करके 40 हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि भाई व्यंजन कैसे कितने हैं, तो हम 33 व्यंजन जानते हैं, लेकिन अगर वो अरबी और फारसी भाषा के साथ मिलकर के पूछने वाले शब्दों की संख्या पूछता है, तो हमारे पास ऐसे 40 शब्द हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको सारे शब्दों नहीं बता रहा, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन आप ये मैं सोच रहा कि सर आपने तो 5-6 शब्द लिखवाए हैं, उसके बाद आप कह रहे हो 40 शब्द, तो 40 में 40 शब्द हैं, और मैं आपको ऐसा लिखवा नहीं सकता 40 में 40 शब्द। कुछ चीज़ आप भी कीजिए गूगल, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक,
अब देखिए, जो अभी हमने देख लिया, कुछ संयुक्त व्यंजन देखे, उनकी विशेषताएं देखी, और दो मैंने जो शब्द लिखवा, पांच शब्द मैंने उसमें अलग से लिखवा दिए थे आपको नीचे, ठीक है, जो अरबी और फारसी भाषा के थे, और जो दो शब्द लिखवाए थे, एक रा करके लिखवाया था, एक ये लिखवाया था डा, ठीक है, डाडा। तो इनके ऊपर दो शब्द मैंने, ऐसे तो पूरे 40 हो गए, लेकिन मैंने आपको इन शब्द से कुछ अलग जो शब्द होने चाहिए थे, मैंने पढ़ना और सड़ना बताया था आपको, तो उसके मैंने और ज़्यादा एग्जाम्पल आपको नहीं दिए, और एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको स्पेशली बोला कि थोड़ा सा गूगल की ज़्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि ऐसा मत टिक जाइए कि भाई सर ने जो शब्द बताए केवल आप उन्हीं पर डिपेंड रहेंगे, नहीं, कुछ शब्द अपनी तरफ से फाइंड कर निकालिए और नोट्स में लिखिए, जब आप खुद से फाइंड करके नोट्स में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा एग्जाम में भी हैंडल करना आपको। देखिए, जब एक व्यंजन ध्वनि अपने सामान्य अन्य व्यंजन ध्वनि से मिलती है तब द्वितीय व्यंजन ध्वनि की बात आती है सामने निकल के, ठीक है, या फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि जब एक व्यंजन ध्वनि किसी अन्य व्यंजन ध्वनि से मिलती है तब वह द्वितीय व्यंजन ध्वनि कहलाती है। तो इसको एक व्यंजन ध्वनि अपने सामने अन्य लिखे, दूसरी की जगह पर आप लिखिए अन्य व्यंजन ध्वनि से मिलती है ठीक है, तब वो क्या कहलाती है, द्वितीय व्यंजन ध्वनि। अब जैसे का उदाहरण कर देते हैं, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, बच्चा। अब बच्चा में क्या है, चा प्लस चा ऐसे मिला हुआ है, ठीक, यानी कि आपको चा के बाद चा बनाना है तो आपको इसका इस्तेमाल करना होगा। और देखिए, ये जो शब्द है ना, आपको लिखने में, यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐसा, ठीक, ये मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ, शायद ही कोई टीचर बताता होगा, आप हिंदी में ऐसे हाथ से लिख सकते हैं उसको ऐसा, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि कंप्यूटर पर या फिर मोबाइल पर टाइप करके देखिए, जो आपको चा के साथ में आधा चा बनाना पड़ता है, जो लोग हिंदी टाइपिंग जानते हैं उनको पता है बात, जो लोग नहीं जानते मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जब आपको चा के साथ में आधा चा बनाना होगा तो आपको ऐसे हलंत का उपयोग करना होगा, इसी से आपका चार से आधा चा बन जाता है, कोई भी शब्द को काटना और जोड़ने के लिए आपको इस हलंत का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है, तो वो रियल में हिंदी वही है। और मैं कुछ उदाहरण देता हूँ आपको इसके साथ में, जैसे उदाहरण है कुछ इसके साथ में, सत्ता। सत्ता के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ता के साथ में हलंत प्लस ता का इस्तेमाल करना होगा आपको। और पक्का, तो पक्का में का के साथ में आपको हलंत प्लस का इस्तेमाल करना होगा। एक एग्जाम्पल हो जाता आपको खट्टा, तो टा में प्लस टा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपके ये व्यंजन बनते हैं, द्वितीय व्यंजन ऐसे बनते हैं आपके, ठीक है। उच्चारणों के आधार पर व्यंजनों के भेद को हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। पहला प्रकार इसमें है अल्प प्राण, और दूसरा है इसमें महाप्राण। तो हम एक एक करके समझ लेते दोनों को, पहले हम इसको समझ लेते हैं अल्प प्राण क्या है। देखिए, शब्द जैसे है अल्प, ठीक, अल्प से समझ में आता है, यानी कि कम की बात हो रही है, तो कम की बात हो रही है, तो इसका मतलब जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय लगे वही क्या कहलाएंगे हमारे, अल्प व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय लगे,
और जब समय कम लगेगा तो आपको प्रयास भी कम करना पड़ेगा उनका उच्चारण करने के लिए, और कम प्रयास करना पड़े वो आपके अल्प प्राण व्यंजन कहलाएंगे। अब इनके कुछ उदाहरण एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे क ग र च ज ण ट ड ण त द ना, ये नाम के लिए बनाया था ना, प ब म य र ल व। ठीक है, तो जितने भी मैंने लिखे हैं व्यंजन ये सभी के सभी अल्प प्राण व्यंजनों में आते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में समय भी कम लगता है और आपको प्रयास भी कम करना पड़ता है। अब चाहे तो आप उच्चारण करके देख लो इन सबका। ठीक है, आप कुछ लोग पीछे जाएंगे शुरू उच्चारण करने, ठीक करेंगे तो अच्छी बात है, आपको एक आइडिया रहेगा। एग्जाम हॉल में बैठे को याद नहीं आ रहा, ट्राई कर सकते हो। ठीक, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ जिसका गला खराब हो, जिसकी नाक बंद हो, वैसे लोग ट्राई ना करें। क्योंकि मान लीजिए ये अनुनासिक का उच्चारण आपको लिखने के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो, नाक से हवा ही नहीं निकली तो भाई गया आपका तो। ठीक है, क्योंकि किसी में नाक से भी हवा निकलनी चाहिए, किसी में मुंह से हवा निकलनी चाहिए, और जब आपकी हवा बंद हो गई तो पेपर ही बंद हो गया, आपकी नाक बंद, आपका काम खराब। तो आपको एक बार याद भी होनी चाहिए, कोशिश कीजिएगा इनको याद करने की, अगर याद होंगे ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। अब हम देखते हैं इसी में महाप्राण व्यंजन क्या है। देखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय समय या फिर श्वास या वायु जो भी हम बोलते हैं, ठीक है, उसका अधिक समय लगे या फिर अधिक प्रयास लगे, उसको हम कह सकते हैं महाप्राण। यानी कि कम शब्दों में अगर कहना चाहूं तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु अधिक मात्रा में, ठीक है, फिर अधिक वेग से निकलती है, अधिक मात्रा में फिर अधिक वेग से निकलेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, महाप्राण व्यंजन। या फिर जिसमें हूं हा के नीचे, हा के जो हलंत का प्रयोग होता है, ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं। इसकी ध्वनि का जब अभाव होगा या फिर भास होगा आपको, ठीक है, अब इस शब्द को आप उच्चारण करके देखिए, आपको खुद आभास होगा कि भाई आपने अधिक मात्रा में प्रयास किया है। ठीक, तो मैं आपको लिए लिख भी देता हूं यहां पर, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु अधिक मात्रा और अधिक वेग से निकलती है, तथा ये जो शब्द है आपका हूँ, ठीक है, कि ध्वनि का आभास होता है। ठीक है, वे आपको क्या कहलाते हैं, महा प्राण व्यंजन कहलाते हैं आपके।
अब देखिए, इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कभी आप खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ठीक है, तो होता ना आपको धसकस लग जाता, फन लग जाता है। आप क्या करते हैं, ऐसा करते हैं आप लोग, ठीक है, मैंने भी किया ना अभी, तो ऐसे आप लोग जब करेंगे आपको ट्राई करना पड़ेगा, करके देखिए प्लीज, ठीक है। तो उस समय आपकी ध्वनि निकलती है, बहुत तेज निकलती है, ठीक। तो उस समय आपको इसका आभास होता है। अब इसमें आप बहुत ज़्यादा छींकते हैं, छींकते हैं ना, तो उसको आप काउंट मत कीजिए इसमें। हालांकि ध्वनि तब भी चेंज निकल रही है, लेकिन उस टाइम एक अचानक हुई चीज़ है, ठीक है, प्रकृति के द्वारा अचानक हुई चीज़ है। उसमें आप कोई हाथ नहीं है, आप ना कोई स्वर निकालना चाह रहे हैं, ना कोई व्यंजन की बात कर रहे हो, उसमें ऐसी कोई बात नहीं होती इसमें। तो उस छींकने की जो स्पीड है उसको आप इसमें काउंट मत कीजिए। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, मैं इनके एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। तो जैसे करके ख घ छ झ ठ ढ फ भ श स स हा, ठीक। तो ये सब के सब आपके एग्जाम्पल हैं महाप्राण व्यंजन के। तो आप लोगों ने समझ लिया कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होंगे, उनमें दो प्रकार के भेद होंगे, अल्प प्राण व्यंजन और ये महाप्राण व्यंजन। अब देखिए यहाँ पर वही है, प्राण महा, इसको अलग करके देख लिया, यानी कि तीव्र गति, ज्यादा अधिक वेग की बात हो रही है यहाँ पर। और इन सबको मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया, एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिए दोनों के, बता दिए। और ये देखिए, मैं इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ लिख लिख के कि आप एग्जाम में गलती ना करो, ठीक। आपको ये पता होना चाहिए, बेसिक बातें आपको पता चलेंगे तब आप आगे अपडेटेड चीज़ों को समझ पाओगे, क्योंकि आगे समझने के लिए पहले आपको ये सब समझना जरूरी था। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शुरुआत के 2-3 लेक्चर जब हम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं तो इतने बोर टाइप के लगने वाले हैं आपको, आप भी कहेंगे सर क्या चल रहा है। लेकिन आगे आगे जब आप पढ़ते जाएंगे ना, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, विसर्ग क्या है, उपसर्ग क्या है, ये सब आप जब सीखोगे आगे और हिंदी पढ़ोगे आप, तो आपको मज़ा आता जाएगा, ठीक। तो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होंगे, बहुत बढ़िया मज़ा आएगा आपको। और इसी के साथ हमारा जो है वर्ण विचार वाला चैप्टर है ये यहाँ पर ख़त्म होता है। और मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको नया चाहिए तो हिंदी में, या फिर आपको कुछ स्पेशल बात जाननी है तो अगर आप कमेंट आएंगे तो हम उसको समझ के आपको बता पाएंगे कि हाँ भाई कुछ अच्छा है आपके लिए, स्पेशल है, या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपके लिए बेहतर है, क्या आपके लिए बेहतर नहीं है। ये सब बातें जब हम आपको बता पाएंगे तो इससे आपका ही बेनिफिट होगा और हमारा भी होगा, ठीक है। हमारा तो नहीं, लेकिन आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा इससे। तो इसके साथ ये वीडियो हम खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।